I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हमारे पास है सैमसंग का A22 5G। और इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूं इस फोन के अंदर अगर आप फेस लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं तो कैसे सेट कर पाएंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम चलते हैं फोन की सेटिंग के अंदर। फोन की सेटिंग को आप ओपन कर लीजिए। अगर आपको इस फोन में फेस लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक जो भी है लगाना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उसके लिए आपको सेटिंग ओपन करनी होती है फ्रेंड्स, और यहां आपको देखने को मिलेगा फिर लॉक स्क्रीन, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस फोन के अंदर हमें स्क्रीन लॉक सेट करना होता है। अगर आपने कर रखा है इस फोन में स्क्रीन लॉक सेट तो आपको थोड़ी सी वीडियो स्किप करनी चाहिए, क्योंकि मैं बताने वाला हूं पहले तो इस फोन में स्क्रीन लॉक आपको कैसे सेट करना है। तो यहां पे स्क्रीन लॉक सेट करने के लिए आपको जैसे सबसे पहले आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं पैटर्न, पिन और पासवर्ड का। तो आपको क्या लगाना है स्क्रीन लॉक में वो आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम पैटर्न यहां पर सेलेक्ट करने वाले हैं। पैटर्न इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, जो भी आप पैटर्न लॉक लगाना चाहते हैं तो पैटर्न, नहीं तो पिन, तो पिन, नहीं तो पासवर्ड चाहते हैं तो पासवर्ड। तो जो भी लगाना है दोबारा आपको इस तरीके से कंफर्म कराना होता है। तो कुछ टाइम के लिए प्रोसेस वगैरह यहां पर हो सकता है, तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे डन कर दीजिए इसको। डन के बाद आपको कंटिन्यू करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो स्क्रीन लॉक है यहाँ पे सेट हो चुका है। अब यहाँ कहीं आपको पहले तो यहाँ पे फेस लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक शो हो रहा था, अब वो गायब हो चुका है। अब आपको कैसे यहाँ पे अपना फेस फिंगरप्रिंट सेट करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी, जस्ट आपके लॉक स्क्रीन के नीचे यह ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इस पर आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स। अगर आपको फेस लॉक सेट करना है तो फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी स्क्रीन लॉक आपने सेट किया था वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो सेल्फी कैमरा है वो ओपन हो जाता है। तो आपका ओपन होते ही कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस शो करा दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे डन कर देना होता है। अब यहाँ पर कई ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अब हम अपने फेस से इसको अनलॉक कराएंगे तो हमारा फोन अनलॉक तो हो जाता है, पर हमें इसको स्वाइप करना पड़ता है। स्वाइप करके ये अनलॉक हो रहा है। अगर आप इसको डायरेक्ट अनलॉक कराना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सेटिंग बता देता हूँ। तो यहाँ आने के बाद ये वाले फीचर को आप डिसेबल कर दीजिए तो आपका फोन डायरेक्ट अनलॉक होना शुरू हो जाएगा। जैसे हम स्क्रीन को अनलॉक कराते हैं, कुछ अपना फेस यहाँ पर दिखाएंगे, तो जैसे हम फेस इसको दिखाते हैं तो फ्रेंड्स ये डायरेक्ट हमारा ये अनलॉक हो जाएगा। तो देख सकते हैं हम डायरेक्ट अनलॉक होना ही शुरू हो चुका है। अब इसी तरीके से आपको फिंगरप्रिंट लगाना है तो फिंगरप्रिंट पर क्लिक करेंगे, जो अपना स्क्रीन लॉक लगाया वो लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरीके से बताया जाएगा कि आपको इस तरीके से अपना फिंगरप्रिंट मूव कराना है। तो अपना फिंगर इस तरह मूव करा के आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, ये आपको यहाँ पे बताया जाता है। तो हम फिंगरप्रिंट को जो भी लगाना चाहते हैं फिंगरप्रिंट वो हमें यहाँ पे टच कर लेंगे। तो हम यहाँ पे थंब लगा रहे हैं, तो थंब को आपको बार बार यहाँ पे टच कराना है। तो इसको हल्के हल्के आपको मूव भी कराना होता है। अगर फ्रेंड्स ये थोड़ा सा बहुत रॉन्ग होगा तो आपको स्क्रीन पर शो करा दिया जाएगा। तो आप इसको हल्के हल्के अच्छे से इसको मूव कराइए तो आपका फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छे से काम भी करेगा। तो अच्छे से सेट हो जाएगा तो अच्छे से काम भी करना स्टार्ट कर देता है। तो हम इसको हल्के हल्के मूव करा के इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा फिंगरप्रिंट भी यहाँ पे लग चुका है। अगर कोई और फिंगरप्रिंट को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ डन करके आपको देखने को मिलेगा ऐड फिंगरप्रिंट, इस पर क्लिक करके आप और फिंगर को भी ऐड करा सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको नीचे कुछ और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कि आप देख सकते हैं आपको देखने को मिलेगा यूज टू साइन इन टू वेबसाइट। अगर वेबसाइट को लॉग इन वगैरह आप करना चाहते तो आपका फिंगरप्रिंट लगना चाहिए, तो यहाँ से आकर इनेबल कर दीजिए इसको। और आपका जो सैमसंग अकाउंट वगैरह है आप उसको लॉग इन कराते हैं तो आप उसका भी आपको फिंगरप्रिंट लगना चाहिए, तो यहाँ से आप इनको फीचरों को यूज करा के यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से आप इस फोन के अंदर फेस लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।